जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं कि हम लोग जो है क्लास 9th की जो है हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और इस हिस्ट्री जो ये हिस्ट्री है, मैं बता दूं आपको कि जो ये पूरा का पूरा जो हम लोग का जो सिलेबस है ना, ये पूरा का जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, ये जो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है, ये आपको किसके बारे में बताती है? तो आपको जो है विश्व इतिहास के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी देती है। ठीक है, आपको विश्व इतिहास समझना है, जानना है, तो आप क्लास 9th के हिस्ट्री को देखिए। जहां तक तो मैं बता दूं कि देखिए, जो ये क्लास 9th की जो हिस्ट्री है, ये ऐसे डायरेक्टली तो आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम दीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, आपको उतना हाईली लेवल नहीं आएगा। लेकिन ये जो ये एनसीईआरटी है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे, मोटा मोटा पढ़ लेंगे, तो आपको एक मतलब जो है बेसिक चीज मिल जाएगा कि आखिर विश्व में क्या हो रहा था। अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप पीसीएस के हैं, अगर आप सिविल सर्विस के हैं, या स्टेट में किसी और की एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप सीडीएस की भी एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए के दे रहे हैं, तब तो फिर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बैकग्राउंड समझने के लिए। लेकिन आप वन डे वाले एग्जाम वाले हैं, ठीक है, एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, जैसे आरपीएफ के एग्जाम हो रहा है, ऐसे एग्जाम के हो गए, तो आपको इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि इस जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से, तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो जो क्लास 9th का जो इतिहास है, उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस पूरे हम लोग को जो है पहले अध्याय में क्या देखना है, तो फ्रांसीसी क्रांति को देखना है। आपको पता है कि जो है जो फ्रांसीसी क्रांति है, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। आज जो हम लोग जो लोकतांत्रिक जो देश बने फिरे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जो कहते हैं कि हम लोग का जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो इसके जो है जब इसकी पहली बार जब शुरुआत हुई, इसके लिए जब लड़ाई हो रहा था उन बड़े बड़े राजवंशों में, तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति का वो परिणाम है। क्या? तो लोकतांत्रिक हो गया, जो समाजवादी की आप विचारधारा देखते हैं। ऐसे बहुत सारी क्रांति हुई है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हो गया, रूसी क्रांति हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति भी हुई, आपने वो क्रांति भी देखा ना, 1857 क्रांति जो भारत में हुई। ऐसे बहुत सारी क्रांति हुई और सबका अपना अपना उद्देश्य था। उसी में से एक क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ करके हम लोगों को खत्म करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, फिर रुकना है, फिर उसको डाइजेस्ट करना है। क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी, मतलब जो आपका जो है पढ़ा हुआ कामयाब तभी होगा जब आप उसे डाइजेस्ट कर पाए, थोड़ा समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आखिर जो है कब की बातें दी गई हैं और कहानी में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी किताबें। ठीक है, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। किसका माहौल था? आतंक का। अब आतंक का माहौल क्यों था? क्योंकि देखिए, जो सम्राट है वहां का, जो सम्राट हुआ करता था, कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है ना, फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। तो जो वहां का जो राजा हुआ करता था, उसने क्या किया, सम्राट ने सेना को जो है शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह यह थी कि वह सेना जो है नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यानी देखिए, जो इस सेना जो नगर में घुस रही थी, मान लीजिए जो पेरिस जो नगर है, उस पेरिस नगर में जो सेना घुस रही है, किसकी? उस सम्राट की। ये सेना क्या करेगी, ये सेना जो है जो इसमें घुस करके नागरिकों का जो है नागरिकों का दमन करेगी, मारेगी। क्यों मारेगी? क्योंकि ये लोग आंदोलन कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग आगे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अफवाह फैला हुआ था कि ये राजा क्या करेगा, तो इन सैनिकों से हम लोगों पर गोली चलवाएगा। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। कौन कर रहा है ये लोग? ये आम जनता है, जो 7,000 जो मर्द हैं और जो औरतें हैं, एक टाउन हॉल जो एक जगह है वहां पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होकर ये लोग क्या कर रहे हैं, तो एक जन सेना बना रहे हैं। जन सेना यानी जो जो नागरिक वाली जो सेना है, जो आम जनता है उसकी सेना। ठीक है, अब देखिए ये जो सेना है ये बनेंगे, तो ये फिर युद्ध में कैसे लड़ पाएंगे? इनको जो है लड़ने के लिए क्या चाहिए, एक बेकायदे हथियार चाहिए होता है। तो हथियार कैसे मिलेगा, उसके बारे में देखिए। जब ये अपना जो एक सेना का जो गठन कर लिए आम जनता, ठीक है ना, देखिए एक और कौन है, एक और सम्राट की सेना है जो नगर में घुस रही है, और इन लोगों को मतलब ऐसे जानकारी है कि राजा क्या करेगा, हम लोगों पर गोली चलवाएगा। तो ये लोग भी क्या करते हैं, हथियार की खोज में निकल जाते हैं। तो बहुत से जो सरकारी जो भवन है उसमें ये लोग क्या कर गए, तो जबरन प्रवेश कर गए। यानी जो लोग हैं, जो आम जनता है, क्या करती है, तो जो सरकारी है, जो राजा के हैं, जो राजा का जो आर्मरी होगा, जहाँ पर हथियार रखे गए होंगे, ये लोग वहां जाते हैं और जबरदस्ती प्रवेश कर ले जाते हैं। और देखिए क्या करते हैं, ठीक है, सैकड़ों लोग
सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले के जेवल को तोड़ डाला। किसको? तो बास्तिल किले, एक किला हुआ करता था बास्तिल किला, और इसमें जेल हुआ करती थी। तो इसको उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया, और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यहाँ से मतलब इनको पता था कि जो जेल है वहां पर क्या मिलेगी हम लोगों को, तो वहां पर जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिलेगी, यानी हथियार हम लोगों को मिलेंगे। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर जो है मारा गया, यानी जो ये जनसेना बनी थी, जनसेना बनी थी उस सम्राट के विरोध में। तो जब ये लोग हथियार खोजने गए, तो जिस जेल में खोजने गए थे वहां का जो कमांडर है, इन लोगों ने हथियार खोजने के चक्कर में उसको, उस कमांडर को भी मार दिया, ठीक है। और जो कैदी छुड़ा लिए गए, मतलब उस जो जेल में कुछ कैदी हुआ करते थे, जो जनता थी आम जनता वही कैदी थे उस समय, उन कैदी को छुड़ा लिया गया। ये जो कैदी थे इनकी संख्या कितनी थी, तो ये 7 थी। याद रखेंगे कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, ठीक है ना। कितनी संख्या थी, तो 7 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी जो बास्तिल जो किला है, ठीक है ना, यही जो है बास्तिल किला है, ठीक है ना। तो देखिए जो बास्तिल जो किला बना हुआ है, तो ये किला क्या था, तो यहाँ पर मतलब आम जनता को पता था कि जो राजा है क्या करता है, कि जो है भोले भाले लोगों को इसी में कैद करके रखता है, यानी इसी में जो बनाकर जेल और में, ठीक है। तो सबको जो है मतलब सबके लिए क्या है, तो एक घृणा केंद्र बनेगा, नहीं बनेगा कि जो बास्तिल जो अब भवन ही नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, मतलब एक जो है घृणा वाला जो भावना इस जो है बिल्डिंग के प्रति, किसके, बास्तिल बिल्डिंग के प्रति। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उससे बाजार में बेच दिया गया, जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। अब एक बार सोचिए, जो ये बास्तिल का जो किला है, इसे लोग क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि वो जो है उनके जैसे जो और आम जो लोग हैं, जो आम जो जनता है, उसको उसी किले में कैद किया गया था, मतलब शोषण किया गया था एक तरह से आप मान सकते हैं उसी किले में, ठीक है। तो क्या किया गया, जब लोग उस किलो को तोड़ दिए, तो उसका जो अवशेष था उसको उसको किसको बेच दिए लोग, जो उस मतलब उसको यादगार बनाना चाहते थे कि हम लोगों ने इसकी बुराइयों को खत्म कर दिया है, इस भवन को तोड़ दिया है, तो उन चीजों को जो है उन व्यक्तियों को दिया गया, समझ रहे हैं, जो इसको एक स्मृति चिन्ह के तौर पर जो है देखना चाहते थे। आप नहीं होता है मतलब आप फ्यूचर में कुछ चीज रख लेते हैं कि मैं इसको मतलब ऐसा सजाने के लिए, वही बात है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब देखिए, अब वहां पर मतलब कुछ जनता क्या कर रही है, तो जो ब्रेड है, जो मॉर्निंग में जो ब्रेड खाया जाता है, तो उसके जो है मतलब इसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसको समझेंगे आगे कि हम लोग जो है कि दाम इसका क्यों बढ़ा था, ठीक है ना। तो जो दाम बढ़ गया था इसका जो है विरोध कर रही थी कौन, आम जनता। बाद में इस दौर का जो है सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी अंत में क्या इसका परिणाम हुआ कि जो है जो सम्राट था फ्रांस का, ठीक है, इसको फांसी दिया गया। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों के ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसको हम लोग कल देखेंगे। एक छोटा सा बैकग्राउंड है आपको समझने के लिए, मतलब इसमें क्या देखेंगे आप लोग, देखिए जो कुछ लोग हैं उनको डर है कि राजा क्या करेगा, जो सम्राट है वो हम पर गोली चलवाएगा, क्या करेगा, गोली चलवाएगा। तो उसके पहले ही इन्होंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के जो आम जो जनता है वो सब लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर के उन्होंने क्या किया, तो एक जनसेना बनाने का निर्णय लिया। और ये लोग अपना जनसेना बनाते हैं, ठीक है, और ये जनसेना बनाकर क्या करते हैं, तो बास्तिल जो किला है, ठीक है, जो बास्तिल आपका जो किला है जहां पर इनको कैद किया जाता था, इनको पकड़ करके जो आम जनता है कुछ गलतियां करते होंगे तो, या अपनी मांग मांगते होंगे तो उस किले को ये लोग तोड़ देते हैं। कौन, जो ये आम जनता है, ठीक है ना, तोड़ देते हैं, और वहां पर जो कुछ कैदी थे उनको छुड़ा लेते हैं, और छुड़ाने के बाद क्या करते हैं, इस किले को पूरा का पूरा तोड़ दिया जाता है, और किलो को जो है अपने फ्यूचर में जो है इसको सजाने के लिए, मतलब अपने स्मृति के लिए रख लेते हैं लोग, ठीक है। ये चीजें थी यहाँ पर हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है, जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो फ्रांसीसी समाज था वो समाज कैसा था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है जो जो हम लोग इसकी कहानी पढ़ रहे हैं लुई 16 की, ये कौन है, तो लुई 16 जो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि, और जो है ये जो बुर्बो वंश दिया है ये क्या है, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना थोड़ा सा आपके लिए जो है, ठीक है ना। थैंक यू भाई, कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं।